करौली जिले में नगर निगम चुनाव की पूर्व मतदाता सूची में नाम जोड़ने व हटाने को लेकर कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह व भाजपा मंडल अध्यक्ष देवेश पांडे के बीच पिछले दिनों हाथापाई व मारपीट हुई थी। दोनों पक्षों द्वारा विंध्यनगर थाने के जयंत चौकी में दोनों एक दूसरे के खिलाफ आवेदन दिया था, जिसमें मंडल अध्यक्ष देवेश पांडे के आवेदन पर अखिलेश सिंह के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। उसी मुद्दे को लेकर आज सिंगरौली जिले में कई गुटों में बटी कांग्रेस पार्टी के एकजुट होकर जयंत चौकी में इस भीषण महामारी कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए सैकड़ों की तादाद में कांग्रेसियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं कांग्रेसियों द्वारा भाजपा मंडल देवेश पांडे के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए चौकी में दबाव बनाया जा रहा था। कुछ कांग्रेसियों ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई कि जयंत भाजपा मंडल अध्यक्ष देवेश पांडे के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। विंध्यनगर टीआई राघवेंद्र द्विवेदी ने कहा कि जांच पड़ताल में देवेश पांडे घटना में नहीं पाए गए। कमलेश्वर सहित 6 अन्य व्यक्ति इस घटना में पाए गए हैं, जिनके विरुद्ध FIR दर्ज की गई है। पिछले 7-8 दिन पहले Sector B दुद्धी चुहा में वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और काटने को लेकर के और भाजपा और कांग्रेस से कुछ कार्यकर्ता थे जो आपस में भिड़ गए थे, एक दूसरे के साथ झूमा झटकी हुई थी। जो भाजपा कार्यकर्ता थे प्रतीक अग्निहोत्री, उनके रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध अखिलेश सिंह, अभिषेक सिंह, कृष्णा सिंह के विरुद्ध किया गया था और इनके द्वारा भी अखिलेश सिंह के द्वारा शिकायत की गई थी कि मेरे साथ भी मारपीट की गई है और उनका एक्सरे करवाया गया, लेकिन एक्सरे में कोई भी चोट उनको नहीं आई थी। उनके द्वारा ये भी कहा गया था कि मेरा पैसा लूटा गया है, ये सब बातें बताई गई थी। उसके जो एप्लीकेशन था उनकी भी जांच हो रही थी, उस जांच से उनको संतुष्टि नहीं थी, इस कारण आज वो धरना प्रदर्शन आयोजित किए थे। तो क्या भाजपा के देवेश पांडे पर भी मुकदमा कायम है? नहीं, उनके विरुद्ध कोई साक्ष्य जो प्राथमिक जाँच हमने किया है उसमें नहीं प्राप्त हुए हैं, उनके विरुद्ध कोई अपराध पंजीबद्ध नहीं है। और इन लोगों के खिलाफ कौन कौन से धाराओं के तहत? ये कमलेश नाम का एक व्यक्ति है जो आइडेंटिफाई हुआ है, 6-7 अन्य हैं, उनका भी पता लगाया जा रहा है कि लोग कौन है। इनमें जो दोनों पक्ष के लोग हैं, क्या ये पहले भी इनके ऊपर ये आरोपी रहे हैं, क्या इनके ऊपर कभी इसमें जो कमलेश है इसके विरुद्ध प्रकरण है उस थाने में, इसी तरह से जो अभिषेक सिंह हैं इनके खिलाफ भी थाने में प्रकरण पंजीबद्ध है।